अब्दुल रशीद जी सभी चैनल्स का धन्यवाद करना चाहूंगा। जिस तरीके से आप जम्मू कश्मीर के हालात से सभी वाकिफ हैं और हमारा एक जो मिशन है, एक आवाज जो है ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल के नाम से, जिसके ऑब्जर्वर साहब आपके सामने पीके गंजू साहब बैठे हैं, जिसके यूटी के प्रेसिडेंट डीके सिंह जी, हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट साहिबान आपके सामने बैठे हैं, और आज हमने बोधराज जी को जनरल सेक्रेटरी का जो जिम्मेदारी दी है जम्मू कश्मीर ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल की, और साथ में अश्विनी कुमार जी को दुमाना कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रेसिडेंट बनाया गया है और अब्दुल रशीद जी को डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रियासी बनाया गया है। हमारा ये जो ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल जो पूरे देश में काम कर रहा है, हमारा यही मकसद है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से हमारे डेली वेजर्स के साथ, एसपीओज के साथ नाइंसाफी की जा रही है, उसके लिए जो हमें हर रोज हजारों की तादाद में लोगों का समर्थन मिल रहा है, हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम यहां की जनता से अपील करना चाहेंगे कि वो ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल के साथ जुड़े और अपने हकूक के लिए हम सब मिलकर लड़ेंगे। और मैं बाकी जानकारी जो है हमारे सीनियर नेता, हमारे जो अनुभवी नेता, जो एक एक्सपीरियंस रखने वाले हमारे पीके गंजू साहब, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख के ऑब्जर्वर भी हैं ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल के, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो दो लफ्ज जो हैं हमारे नए न्यूली अपॉइंटेड और बाकी आप सबके सामने कुछ अपने ख्याल रखें। मैं श्री बोधराज और अश्विनी कुमार का तहे दिल से स्वागत करता हूं ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल्स पार्टी में, और वो आए और हम उनका तहे दिल से वेलकम करते हैं। वो इसलिए पीपल्स पार्टी जो हमने बनाई, वॉइस ऑफ पीपल्स पार्टी जो बनी है, ये सिर्फ इसकी सेवा सिंह की एक मेहनत और जदोजहद का रिजल्ट है। हम इन्होंने पिछले 7-6 सालों से जो एसपीओज की डिमांडे एक्सप्रेस की हैं लोगों से, और जो हाईलाइट की हैं कुछ, ये सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और समाज के हर जगह, जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के हर कोने में गए उस डिमांड को लेकर, प्राइम मिनिस्टर जी को मिले, होम मिनिस्टर को मिले और रियासत जम्मू कश्मीर के गवर्नर और जो यहां के आला अफसरान हैं उनसे भी इन्होंने कहा कि ये जो एसपीओज है, ये डेली वेजर्स हैं, ये विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर जो हैं, जो बेचारे दिन रात अपनी जो जाने खतरे में डाल के से ये बॉर्डर एरियाज की प्रोटेक्शन करते हैं, लोगों की प्रोटेक्शन करते हैं, लेकिन उनको कोई तनख्वाह नहीं, कोई कुछ नहीं, और एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ पॉलिटिकल लोग जो हैं, कुछ शरारत अंगेज लोग जो हैं, वो उनको कहते हैं कि आप एसपीओ से तनख्वाह ले लो। भाई एसपीओ तो जो 20 घंटे काम करेंगे, काम कर रहे हैं, आगे भी हम एक इसको विशाल रूप जल्दी ही दे रहे हैं। इसका ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल का सेंट्रल हेडक्वार्टर भी जम्मू के अंदर ही खोला जा रहा है और कल उसका भी हम इनॉग्रेशन करेंगे पीके गंजू साहब की मौजूदगी में, और हमारे
यहाँ के यूटी प्रेसिडेंट और तमाम डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट साहिबान मौजूद होंगे और हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब की मौजूदगी में कल हम ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल का ऑफिस का भी उद्घाटन करने